दोस्तों, आज तक आपने फार्मिंग बहुत तरीके की देखी होगी। क्या आपने कभी रेबिट फार्म सुना है? आज हम पहुंचे हैं माउंट आबू, जहां पर खरगोश के बाल से बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक छोटा सा परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम कैप्टन अनिल बब्बर है, जो संस्कृत वर्ड है शश खरगोश के लिए, उसी के नाम से ससा अंगोरा रैबिट फार्म। ये रेबिट है, क्या खान पान होता है? तो इनके दो खान पान होते हैं। एक इनके हाई प्रोटीन डाइट होती है, तो ये पैलेट बनाने की मशीन है, इसमें से वो पैलेट्स बनते हैं। तो अच्छा। उसके अंदर गेहूं का हस्क होता है, वो चूना सब चीज मिला के, और वो हाई प्रोटीन होता है। और दूसरे टाइम पे इसे हम देते हैं हरा पत्ते, उसमें धनिया कैबेज, खरगोश नॉर्मली वाइल्ड में खाते हैं। हाँ। वो हम इनको देते। ये अंगोरा रैबिट्स हैं जो जर्मनी से इंपोर्ट करे गए थे, और इसके लिए क्योंकि ये टेम्परेचर वेरिएशन बहुत अच्छी तरह से सह लेते हैं, और साथ में इनकी जो हेयर ग्रोथ है वो इतनी अच्छी है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसका प्रोसेस ऐसा है कि हम इसे बड़ा करते हैं और साल में करीब 4 या 5 बार इनका बाल का ट्रिमिंग करते हैं, उसके बाल काटते हैं, जिसको कोई ना दर्द होता है ना, बहुत प्यार से उसको, और वो ना भागता है कुछ, वो आराम से बैठा होता है, हम उसके बाल काट लेते हैं क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है, गर्मी लग रही होती है तो उसके बाल काटते हैं। ये वुल उसमें से निकाली हुई है, ये खरगोश की है। अच्छा सर जी, एक खरगोश कितने हेयर प्रोड्यूस करता है? 800 ग्राम से लेके और 1 किलोग्राम पर ईयर, और इससे फिर ये धागा बनता है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये इससे बनता है। हमारी जो प्रोसेस है, उसके बाद कोई भी कपड़ा बनाने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक ताना और एक बाना। तो ये ताना की मशीन है, तो ऐसे 25 या 26 हम लोग कोन लगा के और ताना बना देते हैं। उसको इस जगह पे मफलर के लिए ताना फिट किया गया है, इसकी विड्थ करीब करीब 12-13 इंच होगी। ये शॉल के लिए है, इसकी करीब 40 इंच होगी। उसके बाद फिर उसी धागे से हम लोग यहाँ देखिए बाना का खड्डी की मशीन के ऊपर उसकी ये बुनाई कर रहे हैं। 100% प्योर, और सबसे बड़ी बात 100% हैंडमेड, मेड इन इंडिया। ये हम लोगों ने ताना मशीन से ये निकाला, उसको ये डेंट्स होते हैं उसके अंदर डाला जाता है। अब किसी भी चीज़ की बुनाई करने के लिए आप देखेंगे कि उसको ऊपर नीचे और ताना को बीच में से, वो बाना को ऐसे निकालना है। तो ये जब पैर से पेडल चलाते हैं तो वो ऊपर जाती है, तो उसके अंदर से धागा निकलता है, फिर वो अगले दोनों दो उठते हैं, फिर दो नीचे जाते हैं, दो उठते हैं, तो हाथ और पैर दोनों चलाने पड़ते हैं, तब ये मशीन चलती है। यहाँ पर डिजाइन भी डाली जा रही है, हर डिजाइन का एक ग्राफ बनता है। जैसे आप ये वाला देखिए, तो यहाँ पे गिन के एक एक ऐसे धागा धागा, एक एक काफी हाथ का काम और बहुत मेहनत। मतलब सर, डिजाइन वाले धागे हाथ से लगाए जाते हैं? जी, उसको लॉक कर देते हैं ताकि वो निकले ना। और मैं आपको एक और बताता हूँ जो हम लोगों ने पहले बनाया था, ये देखिए, ये इन्होंने ये बिल्कुल खड्डी से उतार के फिनिश करा ही है। इसकी ऑथेंटिसिटी देखने के लिए कि ये नकली है असली है, तो 3 चीजें देखी जाती हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर जो ये बाना का जो धागा है वो दिखनी चाहिए इसमें, जैसे इसमें कम और इसमें ज़्यादा दिख रही है, ये देखिए ना। तीसरा, इसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ या कुछ ना कुछ गलती होनी चाहिए, क्योंकि इंसान बना रहा है। इसकी क्या क्या खासियत होती है? इसके जो फाइबर हैं, जो ये हॉलो होते हैं, कि ये अगर 1/6 भी अगर वेट का होगा तो उतना ही गर्म होगा जितना कि नॉर्मल वूल रहती, और इसको बहुत कम ध्यान रखना होता है। इसको जब भी स्टोर करें उससे पहले इसको इजी में या किसी में ड्राई क्लीन करा के आप स्टोर कर लीजिए, और ये फिर साल भर आराम से। अब इसके बाद कलर की क्या प्रोसेस रहती है? मैं आपको बताता हूँ, इसके ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, एसिटिक एसिड कलर होता है, उसके लिए बड़ा सारा पतीला होता है गर्म पानी के साथ में गर्म करके, और फिर उसको वॉशिंग कर देते हैं इजी के साथ, फिर हम लोग उसको प्रोसेसिंग करते हैं। मतलब उसके ऊपर कलर चढ़ा के फिर यहाँ प्रोसेस सुखा के फिर इसके ऊपर प्रेस करते हैं। तो इसमें 50 इंच चौड़ी और कोई भी लेंथ की कोई भी कपड़े को हम प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि किसी भी शॉल में क्रीज नहीं आता है। फिर इसके लिए क्या होता है, जो इस प्रोसेस के अंदर है, हम लोग पहले से जो ये कलर्ड वाले धागे दिख रहे हैं या ऊन दिख रही है, इसको पहले अलग से डाई करते हैं। इसके साथ में उसका एक अलग प्रोसेस होता है डाई करने का, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है बिल्कुल जी। अब आप इसको एक एक चीज इसकी देख सकते हैं, इसकी बुनाई देखिए, फिर आप चाहें तो हमसे अलग अलग डिजाइन,
अलग अलग कलर्स जो आपकी चॉइस है वो आप हमें बता के हम वैसा आपके लिए बना के देते हैं। फिर उसके बाद में डाइंग प्रोसेस ये सब करने के लिए तो एक महीना डेढ़ महीना वेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के अमेजिंग प्रोडक्ट इनसे तैयार होते हैं, और इनसे रिलेटेड कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे पर सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज भी आपने इस तरीके की अमेजिंग चीज को जिंदा रखा हुआ है।